149, ऊपर छोटा सा 3 है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। क्या लिखा हुआ है? एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग सैलरी टू एन एम्प्लॉय शैल डिडक्ट टैक्स फ्रॉम द अमाउंट पेड। अच्छा, मैंने क्या कहा, अगर मिसाल के तौर पे आपको कैश सैलरी मिलती है, कोई बंदा जहां पर आप जॉब कर रहे हैं वो आपको बैंक अकाउंट में पैसे देने के बजाय कैश में दे रहे हैं, आपकी सैलरी 70,000 है, इस पर टैक्स लॉ गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप इस साल इस 2020 के अंदर 50,000 या इससे ज्यादा सैलरी रखते हैं पर मंथ, यानी साल के कितने बने, 6 लाख रुपए, अगर इससे ज्यादा सैलरी रखते हैं तो आपको टैक्स देना है। तो एक तरीका तो ये है कि आप खुद पे करें। दूसरा तरीका क्या है, सपोज करें कि आप मेरे पास एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं, मेरी कंपनी में फॉर एग्जाम्पल जॉब कर रहे हैं, अब मैं अगर आपको 70,000 सैलरी पे करूंगा तो गवर्नमेंट कहती है मुझे, अगर मेरा बिजनेस रजिस्टर्ड है तो वो कहती है कि भाई आप अगर उसको साल के 6 लाख या इससे ज्यादा पे करोगे, ये सैलरी स्लिप में नजर आ रहा है, सैलरी स्लिप नंबर वन, टैक्सेबल इनकम डज नॉट एक्सीड 6 लाख, कि 6 लाख पे तो आपको 0% देना है, लेकिन जहां पर भी आपकी इनकम टैक्सेबल इनकम 6 लाख या इससे बढ़ जाएगी, 6 लाख से लेकर 12 लाख बढ़ जाएगी, तो आपको 6 लाख से जितनी भी एक्स्ट्रा होगी उसका कितना परसेंट देना होगा, 5% काटना होगा, डिडक्ट करना होगा। यानी मैं सैलरी पे करने से पहले आपके सैलरी में से इतनी रकम, आप ये कैलकुलेशन देख लेते हैं एक्सेल पे कैलकुलेशन देख लेते हैं, और एक्सेल पे कैलकुलेशन क्या आएगी, यहां पर इसको मैं जूम भी कर देता हूं, कोई इश्यू नहीं है। अभी भाई सैलरी कितनी थी सर, मंथली सैलरी थी, मैं सर दो तीन चीजें बता रहा हूं तो उन सबका लिंक है, 70,000 पर मंथ थी, ठीक है, तो इसका मतलब एनुअल सैलरी कितनी बनी सर, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, इक्वल टू दिस, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, आई होप ये नजर आ रहा होगा, ज्यादा छोटा नहीं है, 8,40,000 बना, ऐसा ही है, यस सर, 8,40,000 बन गया। अच्छा, अब गवर्नमेंट क्या कहती है, एफबीआर क्या कहता है इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ से, अच्छा ये टोटल एनुअल सैलरी है, मैं ये कह रहा हूं यही टोटल इनकम है। अब हमने थ्योरी डिस्कस की थी, क्या थ्योरी डिस्कस की हुई थी, इस टोटल इनकम इक्वल टू टैक्सेबल इनकम, किसी को याद है, ऐसी कोई बात मैंने डिस्कस की हुई है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स में भी मौजूद है और ये भी, तो ये टोटल इनकम मेरी कितनी है सर, ये तो 8,40,000 है, टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम के अंदर मुझे लेस करना होता था, क्या लेस करना होता था, डिडक्टेबल अलाउंस लेस करने होते थे, याद आ रहा है ऐसा कुछ, डिडक्टेबल अलाउंस क्या थे, कि गवर्नमेंट ने बाकायदा किसी, देखा जाए तो एनजीओ वगैरह को जकात वगैरह की पे करने वाली बात थी, ठीक है, ऑफिशियल गवर्नमेंट रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशंस को पे करना, ये आई थिंक मैंने 10th वीक में इस तरह की बातें डिस्कस की थी, डिडक्टेबल अलाउंस, और रिकॉर्डेड लेक्चर्स में भी ये बात मौजूद है। तो इसका मतलब मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि भाई वो सैलरीड पर्सन है, उसको कोई भी डिडक्टेबल अलाउंस नहीं है, निल, ठीक है, तो इसका मतलब यही टोटल इनकम उसकी टैक्सेबल इनकम बनेगी। अच्छा, ये तो टोटल इनकम है, इट माइट बी पॉसिबल कि उसको सैलरी के साथ साथ पार्ट टाइम किसी जगह से अदर इनकम में रेंट भी रिसीव हो रहा हो, ये केस बाद में डिस्कस करेंगे, हो सकता है वो बिजनेस चला रहा है, करीम पे गाड़ियां उसकी चल रही है, ठीक है, हायर किया हुआ है, दो गाड़ियां उसके नाम पे थी, उनको वो सैलरी भी दे रहा है और उससे भी उसको पार्ट टाइम प्रॉफिट हो रहा है, तो आप पर्सन हैविंग मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, ये हम अगली क्लास में कवर करेंगे, अभी की क्लास में नहीं है, अभी हम अगर सिंगल सोर्स ऑफ इनकम होगा तो उसकी कैसे कैलकुलेशन करते हैं, तो टैक्सेबल इनकम 8,40,000 आ गया। अच्छा, अब देखा जाए तो आप कौन से टैक्स स्लेब में फॉल करते हैं, ये टैक्स स्लेब वाला कार्ड आपके सामने मौजूद है सर, क्या मौजूद है, ये क्या कह रहा है कि भाई 6 लाख से जितनी 12 लाख तक की रकम होगी तो कितनी रकम बनेगी सर, 8 लाख, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे इसमें से टैक्स स्लेब कौन सा वाला आया सर, टैक्स स्लेब आया 5% ऑफ एक्सीडिंग 600, 6 लाख, 6 लाख से जितने भी ज्यादा होंगे, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ टैक्स मेरा कितना आ गया सर, 5% आ गया, लेकिन ये 5% किस पे अप्लाई होगा, मुझे इस 8,40,000 में से माइनस करना होगा, क्या माइनस करना होगा सर, 6 लाख माइनस करना होगा, तो 2,40,000 आ रहा है, ठीक है,
और इस 2,40,000 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 5% से, तो 12,000 आया, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, एनुअल टैक्स लाइबिलिटी। सही है, इसको टैक्स चार्जेबल भी कहा जाता है, टैक्स चार्जेबल भी कहा जाता है, एनुअल टैक्स लाइबिलिटी। अच्छा, अगर मेरे एम्प्लॉयर ने, अगर मेरी मेरी सैलरी ये होती 70,000 और मेरे एम्प्लॉयर मुझे कोई टैक्स नहीं डिडक्ट कर रहा होता, तो ऐसी सूरत में मुझे ये 12,000 खुद से पे करने होते। जिस तरीके से आपको याद होगा, जिन्होंने टैक्स प्रोजेक्ट किया हुआ है, टैक्स सरचार्ज चालान बनाया था, टैक्स सरचार्ज चालान के लिए गए थे मिसिलिनियस में, ठीक है, और मिसिलिनियस के ओके 2,40,000 कहाँ से आया, गुड वर्डिंग सुनने, जिन्होंने पूछा 2,40,000, अंग्रेजी में एक बेसिक जुमला लिखा हुआ है एक्सीडिंग, ठीक है, 5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख, 6 लाख से ज्यादा जितने भी हैं। अब मेरा आपसे सवाल, अगर आपके पास 7 लाख रुपए हो तो 6 लाख से ज्यादा कितने बनते हैं? उमर आमिर, आपने सवाल पूछा था उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपके पास 7 लाख हो तो 6 लाख से ज्यादा कितने बनेंगे? 1 लाख। देखें बाकी सब, उमर आमिर को बात सा, ओके, तो आपने ये 1 लाख कैसे निकाला? मैंने तो इन्फॉर्मेशन में 1 लाख दिया ही नहीं है भाई। 6 लाख से ज्यादा एक्सीडिंग, एक्स्ट्रा अदर, कितने मार्जिनल है? 6-7 लाख में से 6 लाख माइनस किया, ठीक है, तो वर्डिंग क्या कह रही है, एक्सीडिंग। तो अब मेरा आपसे सवाल वापस, वो समझ में आ गया, गुड। अभी हम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन की तरफ भी जाएंगे, ये तो अभी स्टार्ट है, ठीक है, और उस वक्त अगर मैं डायरेक्ट जंप कर दूंगा तो थोड़ा हैवी ना हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ बाद में। अच्छा, 2,40,000 जैसे आया, इसका मतलब 5% ये आ गया, तो एनुअल टैक्स लाइबिलिटी ये आ गई। अच्छा, अगर मैं खुद से पे करूंगा ना, तो ये इसका मत, ये विथहोल्डिंग टैक्स नहीं हुआ। विथहोल्डिंग टैक्स का मतलब एफडीआर ये कहती है कि तमाम रजिस्टर्ड बिजनेस वालों को कि आप सैलरी पे करते वक्त या सप्लायर से परचेजेस करते वक्त कुछ टैक्स काटें, तो जो टैक्स काटते हैं ना उसको हम क्या कहते हैं, विथहोल्डिंग। वो कहते हैं भाई आप विथहोल्ड कर लो, उनको पे ना करो, जिसको आपने अदायगी करनी है ना उसको पे ना करो। मिसाल के तौर पे अबरकत साहब क्या इस वक्त मौजूद हैं? अगर नहीं, ओके, नहीं मौजूद है, मैं उन्हीं की एग्जांपल कोट करके बताना चाह रहा हूँ। सपोज करें अबरकत साहब एज अ विजिटिंग फैकल्टी पढ़ा रहे हैं, उनको इकरा यूनिवर्सिटी पर आवर बेसिस पे कुछ पेमेंट कर रही है, ठीक है, तो इकरा यूनिवर्सिटी चूंकि बिजनेस में एफडीआर के पास रजिस्टर्ड है, तो मिसाल के तौर पे उनको पूरे कोर्स पढ़ाने के पूरे सेमेस्टर में लेट से 50,000 रुपए मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 50,000 रुपए मिलते हैं, तो एफडीआर कहता है कि आप उनको 50,000 पूरे पे ना करो, इकरा यूनिवर्सिटी को ये कहता है, ठीक है, वो कहता है कि भाई आप उस 50,000 पे एक परसेंटेज विथहोल्ड करके उस उनके एनआईसी के साथ हमारे पास जमा करवा दो, एक परसेंटेज विथहोल्ड करके उनके एनआईसी के साथ हमारे पास जमा करवा दो, और जब वो अपना रिटर्न सबमिट कराएंगे तो उस वक्त हिसाब किताब एडजस्ट हो जाएगा। यही वाली बात सैलरी पे करने के लिए सेक्शन 149, वो कह रहे हैं कि अगर आप फुल टाइम बंदे को सैलरी पे कर रहे हो तो इस हिसाब से टैक्स काटोगे, यानी एक बंदा जिसकी, और वो जमा भी कराओगे, इसका मतलब एनुअल टैक्स ये है, तो अगर मैं मंथली टैक्स डिडक्शन कितनी होनी चाहिए एज विथ होल्डिंग टैक्स, तो सिंपली इस 12,000 को डिवाइड कर देंगे किससे सर, 12, ठीक है, मंथली, इसका मतलब एक बंदा जिसकी ग्रोस सैलरी 70,000 है, वो अब किसी भी वजह से हो, हाउस रेंट अलाउंस के तौर पे हो, किसी भी वजह से हो, लेकिन उसकी कुछ ना कुछ डिडक्शन होगी। अब कुछ कंपनियों के प्रोविडेंट फंड होते हैं, प्रोविडेंट फंड हमारा अभी एरिया नहीं है, हम एचआर पॉलिसीज को या पेरोल मैनेजमेंट डिस्कस नहीं कर रहे, पेरोल अकाउंटिंग डिस्कस नहीं कर रहे, प्रोविडेंट फंड डिडक्ट हो रहा होगा, इंश्योरेंस के कुछ पैसे डिडक्ट हो रहे होंगे, ठीक है, मिसाल के तौर पे वो कंपनी कहती है भाई हम आपका प्रोविडेंट फंड 3,500 काटते हैं, वो कहते हैं हम आपने हमने आपका इंश्योरेंस कराया उसके हम 800 रुपए काटते हैं, तो वो कुछ ना कुछ टैक्स भी काटेगी, तो वो टैक्स कितना काटेगी, वो 1,000 रुपए का टैक्स काटेगी, यानी टोटल डिडक्शन उसकी कितनी होगी सर, उसकी टोटल डिडक्शन हो जाएगी, ये इन तीनों को जमा करेंगे और उसको नेट कितने मिलेंगे सर, इस 70,000 में से माइनस कर देंगे टोटल डिडक्शन 5,300, यानी उसको नेट कितने मिलेंगे 64,700, लेकिन उसमें ये हमारा ये टेक्निकली क्या है, विथहोल्डिंग टैक्स एज सैलरी, ठीक है, सैलरी के तौर पे विथहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट हुआ है। आई होप ये वाली बात समझ में आ गई, तो मैंने इसमें कैलकुलेशन भी रिपीट की और विथहोल्डिंग टैक्स की थ्योरी भी साथ साथ कवर की, ठीक है।
ओके हम इस थोड़े और केसेस की तरफ जाते हैं, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड केसेस की तरफ। हमेशा एक्सीडिंग अमाउंट पर डिडक्ट होगा। नाउ हमेशा एक्सीडिंग अमाउंट पर डिडक्ट नहीं होगा, मैं थोड़ा और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन पे जाता हूं। ये मैंने केस डिस्कस किया, केस ए, दिस इज केस ए, ठीक है, जिसमें मंथली सैलरी क्या थी, ये थी। अच्छा अब मैं आ जाता हूं, क्या करता हूं, अब मैं थोड़े हैवी केसेस की तरफ जाता हूं, केस बी की तरफ जाते हैं। केस बी में क्या होगा, वर्डिंग देखने, अभी पूरा वर्ड मौजूद है, जो जुमले लिखे हुए उस जुमलों को पढ़े तो ज्यादा बेहतर है। केस बी, अब मैं मंथली सैलरी दे रहा हूं, लेट्स से 1,30,000 ग्रॉस सैलरी। अगर 1,30,000 है तो क्या इस वक्त सैलरी ही बनेगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। टैक्सेबल इनकम 15 लाख आ गई। अब यहां पर टैक्स स्लैब कौन सा फॉल करेगा, इंसर्ट करते हैं यहां पर टैक्स स्लैब, टैक्स रेट कौन सा आएगा, ठीक है, एनुअल टैक्स लाइबिलिटी क्या आएगी, ये सब यहाँ पे डिडक्ट होगा। सर ये तो 15,60,000 टैक्सेबल इनकम बन गया उमर आमिर, खास तौर पे आपके लिए। अब वर्डिंग पर आते हैं, विदहोल्डिंग टैक्स 15,60,000 कहाँ पर जा रहा है? सर ये थर्ड में जा रहा है। अब इसमें वर्डिंग क्या है, सर टैक्सेबल इनकम एक्सीड 12 लाख बट डज नॉट एक्सीड 18 लाख। 12 लाख से ज्यादा होगा लेकिन 18 लाख नहीं होगा। अब इसकी वर्डिंग क्या है भाई, उसपे 30,000 तो देने ही देने हैं, उसपे 30,000 तो आपको देने ही देने हैं, प्लस 12 लाख से एक्स्ट्रा जितना भी है उसका कमीशन 10%। तो ये देख लेते हैं सर, इसका मतलब फिक्स टैक्स कितना आ गया, सर फिक्स टैक्स आ गया सर 30,000, ठीक है। और टैक्स स्लेब की बात करते हैं, टैक्स स्लेब कितना बना, ठीक है सर, टैक्स स्लेब बन रहा है 10% ऑफ एक्सीडिंग 12 लाख। अच्छा मैं अभी आपकी बात पे भी डिस्कस करता हूं कि अच्छा तो ये कितना बनेगा, तो यहाँ पे अब मुझे 6 लाख के बजाय क्या माइनस करना होगा, 12 लाख, तो 3,60,000 बने और टैक्स रेट कितना आ गया, 10% आ गया। लेकिन इस 10% के अंदर हम प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे, तो ये देखा जाए टोटल कितनी रकम बनी, 66,000 एनुअल टैक्स लायबिलिटी के अंदर मैं प्लस करूंगा, क्या प्लस करूंगा, मैं प्लस करूंगा ये फिक्स वाले, तो कितनी रकम बन गई, सॉरी मैंने प्लस नहीं हुआ, ये प्लस करता हूं और ये 30,000, तो सर ये 66,000 आ गया, यानी मंथली टैक्स डिडक्शन कितनी आ जाएगी, फिर 5,500। अच्छा इस बात को मैं आसानी से एक और तरीके में कहता हूं भाई, अभी जो हमने करा था गवर्नमेंट क्या कहती है, मैं यहाँ पर एक और कॉलम थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, कहती है भाई 0 से लेकर 6 लाख तक टैक्स, सही है, रेट और टैक्स अमाउंट, ठीक है। और मैं यहां पर थोड़ी सी कंप्यूटेशन कर रहा हूं, कैलकुलेशंस, ठीक है, टैक्स अमाउंट और ये थोड़ी सी कैलकुलेशन आ जाएगी। 0 से लेकर 6 लाख तक आपको कोई भी टैक्स देना है? नहीं सर, 0 से लेकर 6 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना, ऐसा ही है, तो ये टैक्स 0% है। 6 लाख से लेकर 12 लाख तक कितना देना है, 5%, तो ये निकालते हैं सर। कैसे निकालेंगे, मैनुअली। अच्छा पेपर में जाहिर सी बात है, बोर्ड के फाइनल एग्जाम के अंदर आप क्या कर रहे होंगे कि मैनुअली पेपर पे सॉल्व कर रहे होंगे, अगर कोई एक्सेल पे करना चाहता है तो मेरे लिए कंप्लीटली ओके है। तो टैक्स रेट कितना आ गया, सर टैक्स रेट हो जाएगा 0% यहां पर, और अमाउंट भी क्या आ गई, 0, तो कोई कैलकुलेशन नहीं है। फिर क्या है, 6 लाख, इसका मतलब 6 लाख 1 रुपए से लेकर 12 लाख तक कितना परसेंट है, 5% है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पे टैक्स अमाउंट कितनी बनेगी, तो कैलकुलेशन क्या होगी, 12 लाख से लेकर 6 लाख तक की, यानी मैं क्या करूंगा, 12 लाख में से माइनस कर दूंगा 6 लाख रुपए, तो मेरे पास 6 लाख की रकम आ रही है, सही है, 1,000 क्यों कट हो रहा है बता रहा हूं मैं, मुझे आगे भी डिस्कस करने थे 66 के बाद, विथहोल्डिंग टैक्स वाली थ्योरी बताता हूँ, थोड़ी देर में डिस्कस कर लेते हैं। असद तो टैक्स अमाउंट कितनी भाई, ये 6 लाख के ऊपर मुझे कौन सी परसेंटेज अप्लाई करनी है, 5%, तो आप देख सकते हैं ये जो 30,000 फिक्स था वो बेसिकली इस 6 लाख से 12 लाख तक की रकम का था। अब 12 लाख 1 रुपए से लेकर 15,60,000 तक कितना परसेंट है, 10% है,
तो इसकी कैलकुलेशन क्या होगी, सिंपली 15,60,000 माइनस 12 लाख, तो 3,60,000 आ रहे। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, इस 3,60,000 पे ये परसेंट अप्लाई किया तो कितना आ गया, 36,000। तो टोटल टैक्स लाइबिलिटी क्यों बनी, टोटल टैक्स लाइबिलिटी बनी आपकी कितनी बनी, 66,000। यहां तक ये क्लियर है? ठीक है, यानी आप पर्सन, ये एनुअल है टोटल टैक्स लाइबिलिटी, या इसको आप क्या कहेंगे, टैक्स चार्जेबल, ये टैक्स चार्जेबल आ गया, तो ये एनुअल है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं 1,000 रुपए विथहोल्डिंग टैक्स क्यों कट रहे हैं। एफडीआर कहता है कि जब आप एक साथ 66,000 रुपये मिसाल के तौर पे देने के लिए आओगे, चलें सैलरी पर्सन जिसकी महीने की सैलरी 70,000 है, असद इसी की बात कर रहे थे आप, और इसमें आप ये कह रहे थे सर ये वाला रिवीजन करो, एक मिनट, हाँ यही वाला रिवीजन करो, मैं यही वाला भी रिवाइज करवा रहा हूँ, क्या पहले उस बात का जवाब दे दो। अगर आप एक साथ 12,000 रुपये दोगे ना, जिसकी सैलरी 70,000 है, उसको 12,000 बहुत ज्यादा लगेंगे नहीं लगेंगे? यस सर, बहुत ज्यादा लगेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक साथ 12,000 रुपये दे सकते हो, ठीक है, लेकिन एफडीआर कहती है कि आप पे एक साथ बर्डन ना है, और आप हमें पूरे साल के हमें भी तो खर्चे करने हैं ना, आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, भले पाकिस्तान में ना मिलती हो, लेकिन लॉजिक तो यही है ना कि हम आपके लिए सड़कें और पुल और सही है रोड वगैरह बना रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप पैसे अगर साल के आखिर में दोगे, तो हम खर्ची करने के लिए लोगों को एडवांस पेमेंट कैसे देंगे, हमें भी तो महीने की सैलरियां पे दे कर दी है, लोग साल की सैलरियां एक साथ नहीं लेते, तो हर महीने एडजस्टमेंट होती है। तो आप ऐसा करें कि जितनी भी रकम आपकी बास बंदे की इनकम बन रही है, उसमें से इतना टैक्स काट कर हमें जमा करवा दें, तो वो विथहोल्डिंग है। अगर कोई नहीं करता तो उस बंदे को खुद से वो टैक्स एक साथ 12,000 रुपये जमा करवाना होगा, लेकिन क्या वो एक साथ 12,000 रुपये पे करेगा, नहीं करेगा। तो एफडीआर ने बेसिकली ये बात मैंने इससे पहले भी बताई हुई थी, रिपीट कर देता हूं कि एफडीआर ये कहती है कि भाई अगर आप इनकम कर, अगर आप खर्चे कर रहे हो, अगर आप खर्चे कर रहे हो तो इसका मतलब आपका कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम है। ठीक है, तो एफडीआर ये कहती है कि जहां पर आपको पैसा मिलेगा या जहां पर आपको पैसा देना है, चाहे आप टैक्स पेयर हो, अभी थोड़ा बहुत दे दो, जब हिसाब किताब का वक्त आएगा, एट द एंड ऑफ ईयर यानी टैक्स रिटर्न फाइल करने का वक्त आएगा, तो उस वक्त हम हिसाब देख लेंगे। ठीक है, तो इस वजह से एक वजह है। अच्छा, अब यही वाली बात इधर आ जाता हूं। अब एक बंदा जिसकी मंथली सैलरी केस भी 1,30,000 है, उसका साल का टैक्स 66,000 बना, अब क्या वो 66,000 पे करेगा? देखा जाए तो आइडियली आइडियली क्या करना चाहिए उसकी कंपनी को, सही है, जो भी है, पर मंथ उसकी डिडक्शन होनी चाहिए। सर पर मंथ इसकी डिडक्शन कितनी होनी चाहिए, 66,000 को डिवाइड बाई 12 करते 5,500 की डिडक्शन पर मंथ होनी चाहिए। लेकिन अच्छा, अब सैलरी इतनी फिक्स, इतनी डायरेक्टली होती भी नहीं है। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ विथहोल्डिंग थैंक के कॉन्सेप्ट पे आ जाता हूँ, और फिर उसके बाद सैलरी और बिजनेस वाले बात का भी जवाब दूंगा आखिर में। ठीक है, अच्छा अब ये विथहोल्डिंग टैक्स कार्ड पर आए, और उसमें मुझे डिस्कस करना है एडजस्टेबल और नॉट एडजस्टेबल। विथहोल्डिंग टैक्स के कार्ड पर आते हैं, एक मिनट। ओके, इनकम फ्रॉम टैक्स ये स्लैब नजर आ गया। अच्छा, अगर मैं तेजी से एक और चीज करूं, लेट्स चेक के आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई। अब मैं सैलरी दे रहा हूं, मंथली सैलरी में कह रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल कितनी दे रहा हूं, 1,70,000। कितने जाने कैलकुलेट करके बता सकते हैं, लेट्स चेक के आप कर सकते हैं नहीं कर सकते, सर स्लैब बता दें। पर मंथ सैलरी ये है 1,70,000, ये केसी समझ लें आप, केसी पर मंथ सैलरी कितनी है, 1,70,000। लेट्स चेक कि अगर आपको मेजोरिटी को बात समझ में आई तो कितनी रकम बनती है। मैं न्यूमेरिकल बड़ा सिंपल रख रहा हूं, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, आप एग्जाम्स में इतना रिलैक्स ही रहेंगे। सर स्लैब बता दें, मैं स्लैब बता देता हूं, ये रहा स्लैब आपके सामने, मंथली सैलरी 1,70,000 कही है अहमद साहब, मैंने महीने की सैलरी 1,70,000 कही है, पूरे साल की नहीं कही।
ओके, आई होप सब कैलकुलेट कर रहे होंगे। आपके पास 1 से 2 मिनट हैं, या आपने कैलकुलेट करना है, चैट में टाइप करना है। स्लैब आपके सामने मौजूद है सर, कैलकुलेटर नहीं है भाई। अगर लैपटॉप खुला हुआ है तो एक्सेल से हेल्प ले लो, मैनुअल भी कर सकते हो, मोबाइल के कैलकुलेटर से किया जा सकता है।